Why do you always scream whenever I go? जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, ये जो आप सुन रहे हैं मुकालमा, ये मेरा और मेरी बेटी का है। हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए थे और मैंने इसको कहा मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, तो उसने कहा मामा हम जब भी कहीं जाते हैं आप मुझे फ़ोन पकड़ा देते हैं, मेरी वीडियो बनाओ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे बहुत हंसी आई। खैर आप वीडियो साथ साथ देखते रहे, आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, याद से। And now she a cowboy. Yeah. Mama, did you get the bucket? Mama, mere liye bana lo. You like this? Ye Pakistan ki tarah. Ha, Pakistan ki tarah. Yeah, you can have it. Yeah, can I buy more stuff? Like what? Can I buy more stuff though? This? Ye to meri hai. Mama, when I get a blue. Nahi nahi, dupatta nahi. Me, mama, no. What? I want a hat. What this? This? Yeah. No. I want to get a plain white hat. Habiba, I think this is too big for you, beta. No, it's yeah, too big. Yeah, isko bahar nikali, ye aapki age ke bachcho ka nahi hai. Then what? Ye, Habiba, I want a pillow. Mama, I want a pillow. No, pillow. Hamare ghar mein already bahut pillow. Nahi, Habiba, nahi. Mama, I don't have. Hey, bachche bahut satate hain. I don't have a pillow. Habiba, no, please. Father, Alisha, aage chatiye beta. ये वैक्यूम का वो है और ये कह रहे हैं स्पाइडर मैन ही लेके आओ मामा आपको लेके आओ कम करो एक ये वो है छोटे छोटे से देखो ये हाँ एक पैनकेक बनाने वाला ये है, ये एक एक चीज़ बनती है इसमें, ग्रिडल्स हैं ये छोटे, ये तीन ये बना लो इसमें, ये देखो केक छोटे छोटे से, मतलब इन वो छोटे जो है ना उससे बना सकते हैं। ये चॉकलेट डिपिंग के लिए देखो पॉप, नो नो डोंट ओपन इट मामा, टॉक नो अलीशा टॉक मामा, टॉक मैं ओपन, मामा ओपन ओपन। ये देखो ये इंस्टेंट पॉट जो मैंने लिया था, अभी भी लगा हुआ 99 का, हमने भी इतने का। तुम्हारे बेड पे पहले ही बहुत, अल्लाह माफ करे अलीशा, तुम्हारे बेड पे लेटने की जगह नहीं है, तुम्हें तकिए रखे हुए हैं। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं लेके दे रही, इनको तो साथ ले आना बड़ा मुश्किल है भाई। This one? ऐसे मेरे पास घर में पड़ी हुई ले लेना। अच्छा इन्होंने फूड डिहाइड्रेटर भी रख लिया है ये वाले। इसके अंदर फल रख दो इनका रस निकल जाता है। अब नहीं भी चॉकलेट और टॉय आता है, लेकिन मैं नहीं ले रही कोई। नहीं ये फिर स्पाइडरमैन ढक जाएगा। He will run away. The Spider-Man will run away then. ये टोमेटोज है ना, तो ये $98 पर पाउंड है, कितने बड़े बड़े माशाल्लाह देखो। श्योर वॉलनट्स? You eat walnuts? Yes. 99 cents. Where did you get that? Right on the side, there's a couple left. Really? 99 cents. I think you like walnuts so much. Yeah, actually. Oh, okay. Thank you so much.
ओके ओ या ये देखें जी $99 का इतना बड़ा थैला मिल गया है। वो अंकल ने मुझे बताया है कि ये सेल पे लगे हुए, और ये $4.99 का है चाचा जी। या इस $4.99 या मजे क्या करने मेरे ते घर पे हुए, मैं समझा 99 सेंट का कह रहे हैं चाचा। आओ बेटा टमाटर ले। वो $5 का है। नहीं वो बुजुर्ग है ना, उनको नहीं पता चलता। जी तो क्रॉसिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर। तो आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, हालांकि मतलब सर्दियों के दिन है, जनवरी का महीना है, लेकिन आज मौसम बड़ा खिला खिला सा महसूस हो रहा था। तो शाम का वक्त है, मैंने कहा चले आपको भी अपने साथ जो है ना एक राइड देते हैं अपने शहर की, तो आप भी हमारे साथ साथ रहे और देखें कि कैसा अच्छा लगता है, फिर घर चल के बनाएंगे खाना। चले मेरे साथ। जी तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ फिश कढ़ाई, कढ़ाई फिश कुछ भी कह लीजिए। तो तेल मैंने ले लिया है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था हम थोड़ा कम ऑयल यूज़ करते हैं। ये क्वार्टर कप जितना होएगा ऑयल, आपको ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा डालें, वैसे ये क्वार्टर से भी कम है। तो अब इस ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा है, ये देखें आप, बड़ी इलायची है, एक मेथी दाना है, दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3 छोटे वाले। तो ये जो है ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं ज़रूर डालती हूँ पहले, क्योंकि इससे जो ऑयल होता है या घी होता है उसके अंदर सारे मसालों की खुशबू चली जाती है। ये थोड़े से भुन जाएंगे तो उसके बाद हम आपको मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मसाले इसमें यूज़ होंगे, ये कोई सा भी बाज़ार का पैकेट वाला जो फ़िश मसाला है वो ले लें। एक चिकन क्यूब है, खुश्क धनिया पिसा हुआ है बड़ी चम्मच, ये लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, और ये लाल मिर्चें हैं जो फ्लेक्स होते हैं चिली फ्लेक्स, ये आप दोनों ने क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून लेने हैं दोनों। ये है जी सौंठ, जिंजर पाउडर, ये काली मिर्चें हैं, और ये साथ में है अजवाइन। तो ये सब चीज़ें हम लोग लेंगे। हल्दी शायद मे भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँ, मैंने अभी की नहीं, मैं भूल गई हूँ, तो थोड़ी सी क्वार्टर टी स्पून जितनी हल्दी भी ऐड करते हैं। तो ये सारे मसाले जो हैं वो जाएंगे। तो ये हल्दी भी अब मैंने ऐड कर दी 1/4 टीस्पून। तो इधर जो है मैं आपको दिखाती हूँ सूरत हाल क्या, ये देखें तेल के अंदर वो सारे जो हमारे खड़े मसाले वो भुनने लगे। अब हम आपको मैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक प्याज ले ली थी बड़े साइज की, उसको मैंने ऑमलेट की तरह से कट कर लिया, ये देखें आप। अब मैं ये प्याज जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तेल में डाल रही हूँ, और इसको जो है हम भून लेते हैं। और दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा चैनल उसको वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी किया करिए, और आखिर तक देखा कीजिए। बहुत सी बातें होती हैं जो हम आपसे करते हैं लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं, तो किया करिए प्लीज़। ओके, तो ये हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने 4-4 टुकड़ों में कर लिया है, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था किस तरीके से बड़े करके डालेंगे टमाटर, तो उनकी स्किन उतारनी बहुत आसान हो जाती है। और 1/2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून सॉरी। और जब ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसी हो गई, उसके बाद हम इसमें टमाटर और ये हमारे जो मसाले हैं ये ऐड करेंगे। हाँ जी, तो अब ये ऐसे हो गए हैं ब्राउन। अब इसको मैं थोड़ा भून के थोड़ा सा पानी डाल के इन टमाटर और प्याज को दम पे रख दूंगी,
और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, ये देखिए टमाटर की जो स्किन है ये कितनी इजीली पील ऑफ हो रही है, देखिए। तो अब मैं इसी तरीके से ये सारे टमाटरों की जो ऊपर की स्किन है ये उतार लेती हूँ, छिलका है इसका, और फिर टमाटरों को अच्छे तरीके से जो है मसाले के साथ भून लेते हैं और फिर इसमें मछली डालेंगे। अच्छा जी, ये देखिए, ये तकरीबन डेढ़ चम्मच बड़ी चम्मच जो है दही का है, ये अब मैं इसमें डालने लगी मसाले। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही को। इसके अंदर अब मैं फिश डालने लगी हूँ। कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी की कोई भी मछली जो है वो इसी तरीके से बना सकते हैं, और इसी रेसिपी से आप झींगे भी बना सकते हैं जो श्रिम्प होते हैं, प्रॉन्स। जी तो ये बन गई है हमारी मसाला फिश कढ़ाई रेडी विद लिटिल बिट ऑफ शोरबा। डिपेंड करता है आप रोटी के साथ खा रहे हैं या राइस के साथ खा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मशवरे भी दिया करें, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया कीजिए। ये साइड से मैं ज़रूर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई तेल घी ज़्यादा नहीं है। तो अब लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।